दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूँ आपका होस्ट कम दोस्त पंकज भारद्वाज। तो हम एक अनबॉक्सिंग लेके आए हैं। हमने एक फायर टीवी स्टिक मंगवाया है। ये अराउंड 2500-2700 के आसपास हमको पड़ा है। 2500 नॉर्मल कॉस्टिंग और 200 रुपीज़ का इसका इंश्योरेंस। तो हमें ये अभी 3 ईयर वारंटी के साथ मिला है। अभी हम इसको अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर हमको क्या क्या आइटम्स मिलता है नॉर्मली। तो वही शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इसकी पैकेजिंग इस तरीके से दिया हुआ है इन्होंने। ये 2021 वाला मॉडल है जिसमें फायर टीवी स्टिक विद टीवी रिमोट कंट्रोल्स के साथ है। मैं यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन आपको बता देता हूँ। कुछ डिटेल्स इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। ग्रेट परफॉर्मेंस फीचर एंड डॉल्बी एटमॉस, थाउजेंड ऑफ चैनल्स, एप्स एंड एलेक्सा स्किल्स, लेटेस्ट एलेक्सा वॉइस रिमोट विद टीवी कंट्रोल्स, जो कि इसमें नया फीचर आया था 2021 वाले मॉडल में। डू मोर विद योर टीवी, जस्ट आस्क एलेक्सा। इसमें एक एलेक्सा का बटन दिया हुआ है, आप वो प्रेस करेंगे तो इट विल वर्क लाइक एलेक्सा। ठीक है, इसमें आप कुछ बेसिकली इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, आप कुछ प्री डिफाइंड कीज दिया हुआ इन्होंने। आप की प्रेस करके एलेक्सा फाइंड कॉमेडीज इस तरीके से सर्च कर सकते हैं, रिवाइंड 30 सेकेंड ये भी यूज़ कर सकते हैं, वॉच मिर्ज़ापुर इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है प्रेस एंड आस्क एलेक्सा, पावर वॉल्यूम, डॉल्बी एटमॉस, 1080p, क्वाड कोर प्रोसेसर है एंड वाईफाई 802.11 AC मॉडल है। इधर भी इन्होंने मेंशन किया हुआ व्हाट इज इंक्लूडेड, अमेजोन फायर टीवी स्टिक 3rd generation, एलेक्सा वॉइस रिमोट है 3rd generation विद 2 AAA साइज बैटरीज एंड एक पावर अडेप्टर है, USB केबल है, एक HDMI एक्सटेंडर केबल है जो कि इसके साथ हमको प्रोवाइड होता है। किसी किसी में क्या होता है, जो आपकी फायर टीवी स्टिक होती है जो HDMI केबल है वो सही से लग नहीं पाती है, क्योंकि अगर आपने दूसरा पोर्ट भी यूज़ किया हुआ है तो कई टीवीज में थोड़ा स्पेस कम होता है, तो उसके लिए कि इन्होंने एक्सटेंडर दिया हुआ है, HDMI एक्सटेंडर दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके साथ यहाँ पे कुछ और भी मेंशन है, व्हाट इज नीडेड, हाई स्पीड इंटरनेट विद वाईफाई, HDTV विद HDMI इनपुट। ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है और ये इसका फ्रंट पेज है। यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे चैनल्स और एप्स के इमेजेस शो किए हुए हैं, जैसे प्राइम वीडियो, यूट्यूब, Z5, सोनी लिव, वूट, डिस्कवरी, MX प्लेयर, नेटफ्लिक्स, जियो सिनेमा, होइचोई, अमेजोन प्राइम म्यूजिक, एप्पल TV, एरोस नाउ एंड सावन। आप ये सब एप्लीकेशन के साथ साथ और मल्टीपल एप्लीकेशन हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। अभी एक फर्स्ट डिवाइस हमने ये निकाला है, ये इसका एक्सटेंडर है, ये एक टीवी रिमोट है, ये इसका केबल है पावर अडाप्टर के लिए, एक इसका मैनुअल है एंड ये एक पावर अडाप्टर है इसका एंड 2 batteries। 7 items हमको मिला इसमें। तो अभी हम इसको आपको चला के दिखाएंगे, इंस्टॉलेशन वगैरह करके दिखाएंगे। आपको बैटरीज इंस्टॉल करके दिखाते हैं सबसे पहले। इंस्टॉल कर लिया है हमने, इसको हमें सेटअप करना पड़ेगा टीवी रिमोट के साथ, सो दैट हमारा ये जो पावर बटन है एंड वॉल्यूम बटन्स है ये प्रॉपरली वर्क कर सके टीवी के कंट्रोल्स के साथ। ये एक पावर अडाप्टर है जो कि हमारी केबल के साथ वर्क करेगा। ये इसका परफॉर्मेंस जो है, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करता हूँ फायर टीवी स्टिक, जो इसका 1st edition आया था, 2nd edition आया था और ये अभी करंटली 3rd generation में इसका काफ़ी अच्छा मॉडल है। 3rd generation में काफ़ी सारे मॉडल्स हैं इनके, तो मैंने ऑलमोस्ट सभी यूज़ किए हैं और मैं फायर टीवी स्टिक पिछले करीबन 4-5 साल से यूज़ करता आ रहा हूँ, मुझे कभी किसी चीज़ का इशू नहीं आया। तो अभी हमने ये न्यू मंगवाया है तो मैं इसका अनबॉक्सिंग आपको करके दिखा रहा हूँ अनबॉक्सिंग। तो ये देखिए, ये एक्सटेंडर दिया हुआ इन्होंने, आप ये इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक्सटेंडर इस तरीके से लग गया है और ये आप कहीं भी टीवी पे अटैच कर सकते हैं। अगर आप ये बेसिकली किस पर्पज से दिया हुआ है, अगर आप इसको डायरेक्ट लगाएंगे तो ये टीवी में सेकेंड जो ऑप्शन होता है HDMI ऑप्शन, वहां पे
अगर कोई और केबल लगाना चाहते हैं, कोई और सपोर्ट भी देना चाहते हैं एचडीएमआई का, तो माइट भी वहाँ पे वो प्रॉपरली फिट ना हो, ठीक है। तो उसके लिए ये एक एक्सटेंडर दिया हुआ है, सो देट इसका जो विड साइज है इसका कम है अकॉर्डिंग टू फायर टीवी स्टिक। तो इसके पर्पज से ये इन्होंने दिया हुआ है। मेरे टीवी में ये काम वर्क नहीं करेगा, ठीक है। मुझे एक्सटेंडर की हेल्प लेनी पड़ेगी अगर मुझे ये फायर टीवी स्टिक लगाना है, क्योंकि मेरा एक एचडीएमआई सपोर्ट यूज नहीं होता है, सिंगल वाले में ये वर्क नहीं होता, क्योंकि एक एचडीएमआई पोर्ट ऑलरेडी उसमें लगा हुआ है। तो उस पर्पज से ये आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और एचडीएमआई आपको टीवी में लगाना है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये पावर केबल का कनेक्शन का दिया हुआ है, पावर इनपुट है, और ये आपको पावर में लगाना है और ये टीवी के साथ अटैच करना है। सिर्फ आपको इतना करना है। उसके बाद वाईफाई सेटिंग्स है, वो भी हम आपको करके दिखाएंगे, और जो सेटअप है वो भी करके दिखाएंगे। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही है। हम इसका सेटअप गाइड के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, सो दैट आपको लिंक वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा और वो इजीली आपको मिल सकेगा। तो अभी के लिए थैंक यू दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें, सो दैट आपको न्यू वीडियोस अपडेट जो भी है वो आपको बेल आइकन के थ्रू नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। थैंक यू।